अध्यक्ष पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद पहला सेशन होगा। अभी कार्यक्रम एक घंटा लगेगा लगभग सबको यहां पर असेंबल होने में। 9:30 बजे शुरू होगा, आना शुरू होंगे। पहले उनको हैंडशेक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे बारी बारी से तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों को। और थोड़ी देर पहले स्पेन के मंत्री का आप जिक्र कर रहे थे, स्पेन के राष्ट्र प्रमुख को आना था लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई तो अंतिम वक्त में वहां से मिनिस्टर को भेजा गया। दूसरी चीज़ कि फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग आएंगे, वो उसी तरह का सीक्वेंस होगा और फिर फोटो सेशन होगा और फिर लीडर्स लाउंज। आमतौर पर आपने सुना होगा कि चीन के राष्ट्रपति के साथ लीडर्स लाउंज में मुलाकात हो गई, पुल असाइड होता है बेसिकली, जिसको बायलेटरल मीटिंग पहले से तय नहीं माना जाता। हालांकि इनफॉर्मल तरीके से तैयारी चलते रहती है, पूरी तैयारी होती है कि भाई इनके साथ टकराएंगे, हाँ टकराएंगे इनके साथ, इनके साथ औपचारिक रूप से मिलेंगे और इनके साथ अनौपचारिक टकरा जाएंगे और फिर बात आ सकती है कि आप वो टकराने वाली वो टक्कर नहीं होगी, लेकिन टक्कर नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी, ये उसी तरह का हैंडशेक होगा जिस तरह से बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की हैंडशेक हुई थी। बाली के बारे में बहुत कुछ चीजें बता दें, हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि अब शुरू होने वाला है सिलसिला। यूक्रेन पे पिछली बार सहमति क्यों बन पाई, इसके पीछे भी बहुत उस समय की परिस्थितियां बहुत मजबूती से थी कि आप कॉम्युनिक में भारत का पक्ष कैसे रख पाए। प्रधानमंत्री का वर्ड जो है ये युद्ध का एरा नहीं है, कैसे रख पाए, उसकी वजह ये थी। नवंबर में समिट था, नवंबर में रूस कमजोर दिख रहा था, उसको लगता था कि पश्चिम देश हावी हो जाएंगे। रूस वहां और वहां गए सर्जेई लावरो, वहां भी पुतिन नहीं गए तो सर्जेई लावरो, और उस समय आपको याद होगा पोलैंड में वहां बीच में खबर आ गई कि पोलैंड में एक मिसाइल से हमला हुआ है, वो खबर हालांकि फेक निकली। उसी बीच G7 की मीटिंग हो गई उस माहौल में, और उसके बाद चीन जो है, चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो जाती है बाइडन से वहां, और वो लंबी मुलाकात चलती है, तो दोनों देश उलझ गए इन सब चीजों में। और अंतिम वक्त में किशोर जब बात आएगी कॉम्युनिक में यूक्रेन पे क्या लिखा जाए, इधर देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। हाँ, वो 9:30 से था, 9:20 से भी एक रिवाइज टाइम आया था तो अभी से वो शुरुआत हो गई होगी। दूसरी चीज हम बता रहे थे कि अंतिम में हमारे शेरपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के उन शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वही शब्द इस्तेमाल हुआ जिसके बाद दुनिया में भारत की वाहवाही हुई, प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही। तो आज भी ये देखना होगा कि किस तरीके से एक चैलेंज यूक्रेन का मामला एक चैलेंज है, उसमें G20 के देश जो हैं, भरपाई आप कर सकते हैं। अगर यूक्रेन के मसले पे कुछ नहीं निकलता है तो भरपाई आप कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा दीजिए। एक और अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराने में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी एक तरह से। देखिए बिल्कुल, और भारत इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है, और इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें भारत का साफ ये कहना है कि अगर वो ये करवाने में सफल हुआ तो उन्हें एक बड़े, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन बड़ा, कई अफ्रीकी देश उसमें शामिल है, उनका साथ तो मिलेगा। और वो सब लोग भी, वो देश भी इस समय परेशान है, वो किसी तरीके से चीन के जाल से बचना चाह रहे हैं। चीन अपने आप में एक बड़ा कारण कई चीजों का बन गया है कि जिसके कारण बाकी देश अब सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम इससे बाहर निकलें। जी जी, यही जो हम बात कर रहे हैं कि IMF चीफ, अब तस्वीरें आ रही है कि IMF चीफ वहां पहुंची हैं और प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए IMF का रोल, IMF वर्ल्ड बैंक का रोल, ये IMF जो पिछली सदी में एक बहुत अहम रोल निभाता था उन देशों तक मदद पहुंचाने में जो आर्थिक संकट से गुजर रहे होते थे, और तब ये आलोचना होती थी कि अमेरिका इसके जरिए अपनी कूटनीति करता है, IMF का जाल है साहब, और IMF के जाल में आप हमारे पड़ोसी श्रीलंका में ऋण लेने की बात हो, जिस तरह से आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले सदी की बात करूंगा, पिछले सदी में IMF को कई देशों में ऐसे देखा जाता था कि इसके जाल में हम फंस जाएंगे, लेकिन अब वो हल चीन का हो गया। अब वो और उसकी वजह से ही जो पहले वाली रेपुटेशन थी या पहले वाले जो हिसाब किताब था, उसकी वजह से ही चीन ने जैसे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की, उसने अपनी कूटनीति में ये संकट में फंसे देशों को मदद पहुंचाने के नाम पर अपने पैर पसारने शुरू किए दुनिया में। और अब वो स्थिति आ गई है जब ये मांग उठ रही है कि IMF में सुधार किए जाएं, और इसलिए IMF के अध्यक्ष का यहां पहुंचना और उनका G20 में इस तरह से हिस्सा लेना, IMF का के रोल के बारे में बात होना, ये एक बहुत अहम बिंदु है इस G20 शिखर सम्मेलन का। किशोर, एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि IMF की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वो मॉनेटरी फंड
जनरेट करता है, लेकिन वो किसको देगा? और इस बीच यूएन महासचिव भी पहुंचे, यूएन महासचिव पहुंचे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए यूएन महासचिव अंतोनियो गुतरेस का। एफएटीएफ की बात करें, क्योंकि एफएटीएफ एक सिस्टम बताता है कि क्या वो एफएटीएफ जिसमें पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने वाला था, हम ग्रे लिस्ट में था 2018 के बाद से, कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में था। उसके बाद फिर 27.4 एजेंडा था जो कि उनको दिया गया था, फिर धीरे धीरे फुलफिल करने की बात किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जी जी, वो अभी तस्वीर आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी पीछे किस तरह के बैकग्राउंड में रिसीव किया जा रहा है, वसुधैव कुटुम्बकम G20 का लोगो, और देखिए क्या तस्वीर है ये जब बड़ी स्क्रीन पे लोग देख रहे होंगे टीवी पे, हम तो मोबाइल पे देख रहे हैं, उन्हें बहुत विहंगम दृश्य लग रहा होगा कि भारत की पूरी तस्वीर वसुधैव कुटुम्बकम के नाम पे पूरी दुनिया को समेट लिया है यहाँ दिल्ली में भारत मंडपम। जी हाँ, तो एफएटीएफ की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो एक ऐसी टास्क फोर्स जो ये कोशिश करती है कि ऐसे देश जो जिनका लेन देन जो है या जिनका कारोबार जो है वो आतंकवाद को किसी तरीके से फंड करता हो, उनको उस पे लगाम लगाई जाए। एफएटीएफ का फोकस ही है कि मॉनिटरिंग करना कि कोई देश जिसको कि लोन दिया जा रहा है, या कोई ऐसा देश जिसके यहाँ पे टेरर फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या वो पैसा जो कि उनके बेटरमेंट के लिए दिया मतलब ले तो रहे हैं कि विकास के नाम पर, और जा रहा है आतंक को, उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। उसी हिसाब से ये कलर कोडिंग दी जाती है, जिसमें ग्रे लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है। ग्रे लिस्ट जैसे कि पाकिस्तान हाल फिलहाल ही ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, तो उसकी आंखें खुल गई। उसके बाद पहला जो लोन का अमाउंट जो उसको मिलना था वो टाइम से नहीं मिला, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत, क्योंकि अगर आप एफएटीएफ के एफएटीएफ के आप ग्रे लिस्ट में आ जाएं तो आपको लोन लेना मुश्किल हो जाता है, ब्लैक लिस्ट में आ जाएं तो फिर आपको कोई दुनिया में कोई लोन नहीं देगा, फिर कोई लोन नहीं दे सकता, तो वो एक ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं आप। और फिर जब कोई लोन देने वाला नहीं होता तब चीन और अपना चंगुल उस पे डालता है। ऐसे टाइम पे उसको पता है कि इस कंट्री को जरूरत है, ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, कर्ज है बहुत ज्यादा, तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि चाइना अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है, वो कहता है कि चलो आपका ये प्रोजेक्ट है, ब्रिज का प्रोजेक्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बनना है, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो, तो एक काम करते हैं कि इसकी फंडिंग हम कर देते हैं। बांग्लादेश में जो ब्रिजेस बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तर्ज पे ही जो है, जैसे उन लोगों का जो सीपैक है उसी तरीके से वो म्यांमार में भी बना रहा है, बांग्लादेश में भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है जो कि 90% से ज़्यादा फंडिंग चाइना के बैंक कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी देश के ऊपर अगर इस तरीके से फंडिंग कर रहा है, उनको पता है कि यहाँ की कंडीशन ऐसी है, जरूरत है सबको, अब ऐसे में एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाने का वो बिग ब्रदर, हाँ बिग ब्रदर सिर्फ कहने को बिग ब्रदर होता है, वो ब्रदर ही नहीं होता, वो किस तरीके से जाल में फंसता है देश। इस बीच WHO के चीफ भी, उनका भी स्वागत होता हुआ इधर भारत मंडपम में, एक के बाद एक जी जी मीडिया सेंटर है, हाँ सारे विजुअल इस समय प्रधान जानकारी जी जी। तो अब देखिए WHO का रोल कोविड के बाद किस तरीके से, और उसमें भारत की जो अहम भूमिका रही, वैक्सीन मेकर फॉर द वर्ल्ड एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर किसी की नजर यही थी, क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन बनती है किशोर, तो उसमें काफी सारे लेवल्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने जितनी जल्दी इन सब ट्रायल को किया, ह्यूमन ट्रायल किया, उसके बाद जिस तरीके से, जिस स्पीड में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे इतनी जल्दी इस तरीके का वैक्सीन बनेगा। ना सिर्फ वो हमारे यहाँ पे देश में उस वैक्सीन को सबको दिया गया, बल्कि उन सारे देशों को भी जो कि ज़रूरतमंद थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जो कि वैक्सीन नहीं क्रिएट कर सकते थे, या दूसरे देशों के जो वैक्सीन है वो इतने महंगे वैक्सीन होते हैं कि वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ऐसे में ये जो भारत ने एक सस्ता वैक्सीन दिया और एग्जैक्टली बहुत बेहतरीन तरीके का वैक्सीन प्रोवाइड किया, तो WHO को भी बहुत ज़्यादा कह सकते राहत महसूस हुई, क्योंकि वो भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस तरीके के हालात बनते हैं, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो उनकी मॉनिटरिंग उसी के ऊपर रहती है, तो ऐसे में जब पूरी दुनिया इस तरीके के महामारी से गुजर रहा था, और ऐसे में भारत ने कम समय में एक वैक्सीन को ईजाद करके उसके बाद उसको पूरी दुनिया में फैलाया, ये जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात उस वक्त यानी कि कोरोना टाइम में भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट
स्थिति यही है। चर्चा भी ये हो रही थी कि कोविड इतना बड़ा पेंडेमिक और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि भारत इतनी बड़ी आबादी का देश बहुत तबाही झेलनी पड़ सकती है भारत को। भारत ना केवल उससे बाहर निकला, अपने लोगों को बचाया, वैक्सीन तैयार की, अपने लोगों को वैक्सीन दी। 220 करोड़ डोज देना बहुत बड़ी बात थी, लोगों को सबको डोज दी। और विदेशों में ऑपरेशन मैत्री के जरिए जिस तरीके से वैक्सीन मैत्री निभाई भारत ने, कई ऐसे दोस्त, कई ऐसे देश थे जिनके साथ संबंध उस तरीके के नहीं थे, उस लेवल के नहीं थे, कहा जाता था कि कुछ कुछ रिश्ते असहज हैं, वहां तक भी भारत ने अपनी वैक्सीन पहुंचाई और ये दिखाया कि आफत के इस समय में दोस्ती और इंसानियत, मानवता से ऊपर कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की जो हमेशा से रीति नीति रही है वो पूरी कोरोना के टाइम में दिखाई दी। और एक के बाद एक सब राष्ट्राध्यक्षों का वहां पहुंचना और बॉडी लैंग्वेज देखिए, जोशी से मिल रहे हैं जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी कितने गर्म जोशी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनको वेलकम कर रही है, अपने आप में महसूस ऐसे बताया जाता है, मतलब कि इस तरीके का मैसेज दे रहा है कि हम लोग जो हैं खुले हाथ से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें अभी ब्रिक्स सम्मेलन में सिरिल रामाफोसा ने होस्ट किया था प्रधानमंत्री मोदी को, और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा यहां पर G20 में भी शामिल। दक्षिण अफ्रीका भी एक अहम कोण इस पूरे, क्योंकि ब्रिक्स में वो भारत के साथ है और यहां G20 में भी है जिसमें ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ रशिया और चाइना है। तो रशिया और चाइना के शी जिनपिंग यहाँ नहीं है, पुतिन यहाँ नहीं आए हैं, तो ये ब्रिक्स में बाकी जो तीन है इम्पोर्टेंट है। किशोर, आपने बहुत ये बेहतर सवाल G20 के लिहाज से और दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात हो रही है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका मेंबर है, साउथ अफ्रीका में ब्राजील के बाद होस्ट कर रहे हैं, होस्ट है। और हम जब जिक्र कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले कि जो डेवलपिंग नेशन है, चार देश ऐसे जिनको डेवलपिंग नेशन माना जाता है, इंडोनेशिया, भारत को भी मान लीजिए अब वो डेवलप की कगार पे है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को तय कर रहे हैं पिछले एक साल से इंडोनेशिया, और आगे दो तीन राष्ट्र तय करेंगे। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में भी है, G20 में भी है, और ये आने वाले वक्त में अहम भूमिका निभाने वाला है। और अफ्रीकन यूनियन की आवाज को मजबूती प्रदान करने में साउथ अफ्रीका, और इस बात की संभावना इसीलिए और बढ़ जाती है कि दो साल बाद साउथ अफ्रीका करने वाला है, तो क्यों ना अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा दिया जाए। नाइजीरिया को बतौर अतिथि देश के तौर पे शेख हसीना बांग्लादेश की शेख हसीना यहां पहुंच रही हैं, अतिथि देश के तौर पे बुलाया गया है, और शेख हसीना के साथ बाइलेटरल भी हुआ था कल राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से पहले, तमाम मसलों पे बातचीत होती है। बांग्लादेश के साथ जो भारत के रिश्ते एकदम से सुधरे हैं, और अब ये बिल्कुल एक नया अध्याय कहा जा सकता है बांग्लादेश के साथ, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो रोल रहा और शेख हसीना का भी। बिल्कुल, देखिए नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया बड़ी तेजी से, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदल दिया, और ऐसे में वो कंट्री, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो तीन तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ से म्यांमार से लगता है और बाकी बंगाली खाड़ी, तो ऐसे में जो इन्फ्लुएंस जो लगातार बन रहा था, चाइना बहुत बड़ी तेजी से जो है इन्फ्लुएंस अपना वहां पे बना रहा था, भारत को जरूरत थी और भारत ने उसी तरीके से काम भी करना शुरू किया। और दिल फतेह सईद हुसैन खलीली, जी ये अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर भी मुख्य अतिथि थे, तो ये मिस्र के साथ अतिथि देश के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग है, देखिए फिर अतिथि देशों के लोग आ रहे हैं, अभी तक उनमें से कोई देश नहीं आया जो परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो सबको रिसीव कर रहे हैं, और इसीलिए हमने जब 44 झंडे देखे थे, और देखिए इतना बड़ा रास्ता है कि यहाँ आते आते वो लॉन्ग से जहां नटराज की मूर्ति है जिसकी चर्चा हो रही है 27 फुट की ब्रॉन्ज की, वो यहां भी देखने को मिली हमें एक जगह उसकी छोटी प्रतिमा, तो वहां से लेकर यहां तक बहुत लंबा रास्ता है, और जहां लीडर्स लाउंज है वहां तक जाने में अभी वक्त लगेगा। ये बाहर की तस्वीरें कई बार कैमरे पे दिख रही हैं, वो तमाम झंडे दिख रहे हैं, और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है, अतिथि देशों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 9 देश हैं कुल 29 यूरोपियन यूनियन को लेकर इस बार G20 में हिस्सा ले रहे हैं, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें 14 में से 3 ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया है कि आप आइए, वो रेगुलर इनवाइटीज नहीं होते हैं
और WHO हुआ, UN हुआ, ये सब रेगुलर इनवाइटेड है, वो परंपरागत तौर पे इसमें हिस्सा लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ल्ड लेवल पे करना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी होगी क्योंकि वहाँ इनके जो कॉम्युनिक है वो जाता है और उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है, जमीन पे उतरता है और लोग जो आम बोलचाल की भाषा में जानना चाहते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, तो देश को जब आप ताकत देंगे तो वहाँ के लोगों को ताकत मिलेगी, गरीब देशों को जो जब आप ताकत देंगे तो वहाँ के लोगों को ताकत मिलेगी। जी या तो ये सिलसिला लगातार जारी, प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करते हुए, स्वागत करते हुए, और ये वन अर्थ वन फैमिली वन